के लाला जी के वीडियो से बसंती जी को इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि उठाई है कैमरा और लहराते लहराते खेतों में गई है और वहाँ नाक फुला फुला के कहना स्टार्ट कर दी है, भैया हम तो केस लेने के लिए तैयार हैं, ये नहीं आ रहे हैं, पता ना किस गर्भगृह में जाके छुप गए हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। बसंती जी कहती हैं कि वो अनीता जी एंड फैमिली चोर है, बेईमान है, इसलिए वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मान लिए एक मिनट के लिए बसंती जी आपकी बात है कि वो चोर है, बेईमान है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। आपकी दिल्ली की संपत्ति हड़प के बैठे हैं, आपके गांव की भी सारी प्रॉपर्टी हड़प के बैठे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपका तो चीरहरण हुआ था, आप क्यों इतने परेशान हैं केस वापस लेने के लिए? जिसका चीरहरण हो वो तो कहेगा कि ना भैया मैं तो बदला लूँगी, इसको तो जेल में डलवा के रहूँगी। आपको तो चीरहरण भूल गई क्या इतना जल्दी? अनीता जी, आपका जो कमज़ोर नस पकड़ी है ना, इस कारण से आप इतना नाचे जा रही हैं। वो नस क्या है बताएं? अनीता जी ने इनकी बहन का नाम दिया है जो इस सारे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड है। अब बहन की बेइज्जती हो रही है, बहन इनकी नकेल कसी हुई है बसंती जी के, चल चल जल्दी से केस वापस ले, मेरा पैसा खर्च हो रहा है। बसंती जी को पूरा नकेल कसी हुई है, रोज़ दो तीन चाबुक लगता है दे देती हैं, इसलिए बसंती जी परेशान है कि हाय हाय अनीता जी जल्दी आओ, जल्दी से फैसला करो, ना तो आपको चोर बेईमान सब कुछ बोलेंगी ये। तो देख लीजिए अनीता जी कि अभी बसंती जी को और उनकी बहन से चाबुक पड़वाना है कि जी कहती हैं कि दीपक जी नहीं रहे इस दुनिया में, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ढाबा बेच के खा गया, सारा पैसा खा गया। जब वो जिंदा थे दीपक जी तो उस समय कहना चाहिए था ना, उस वक्त क्यों नहीं कहते थे? अब इनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है। बसंती जी आपको तो पता है सच्चाई क्या है, आप कहिए ना, क्यों दीपक जी का ऊपर जाने का भी फायदा आप ही लेंगे? अब तो आपकी वीडियो देख के इतनी हंसी आ रही है ना, लाला जी ने कल वीडियो डाला, बस बसंती जी ने भी आओ देखा ना, तब 24 मिनट का वीडियो डाल दिया, उसमें क्या बाकी है उनको खुद नहीं पता है। और हाँ, उसमें कह रही थी ना कि अनीता जी दीपक जी को, हंसी तो रुकी नहीं रही थी कि अनीता जी दीपक जी को दारू पिलाई थी। अनीता जी चरसी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, शराबी हैं, हमें तो पता ही नहीं था। शराबी भंगेड़ी ये सब का तो चेहरा देखने से पता चल जाए। हाय हाय अनीता जी, बसंती जी की तो अपनी इज्जत है नहीं, अब झूठ झूठ का जैसे चीरहरण का इल्ज़ाम लगाई थी कोर्ट तक, जैसे चीरहरण का इल्ज़ाम लगाई थी और पहुंच गई थी थाने तक, अब देखिए आगे आगे क्या क्या आप लोगों पे लगता है। और हाँ, ये भी बताया, और बसंती जी ने बताया कि जब इनकी शादी हुई थी तो दीपक जी दिल्ली में ही रहते थे, 2 महीना पे 6 महीना पे साल भर पे आते थे 10-15 दिन के लिए, उसके बाद ये भी दिल्ली चली गई। दिल्ली में जुल्म इतना किया अनीता जी ने, सुनिए बसंती जी क्या कहती है, एकदम स्माइल। फिर बसंती जी ने कहा मुंह पे स्माइल ले लेके, जिसको किसी को किसी बात से प्रॉब्लम होगी तो उस चीज़, अगर किसी चीज़ से आदमी का दिल दुखेगा तो वो बात स्माइल लेके नहीं कहा जा सकता है। वो स्माइल लेके एकदम बड़ा सा स्माइल ली थी और कहती हैं हम हस्बैंड वाइफ रूम में रहते थे तो यही अनीता जी उनको दीपक जी को रूम में नहीं रहने देती थी, और दोनों हस्बैंड वाइफ किस कंडीशन में रहते थे अनीता जी जरा भी ना सोचती थी, घुस जाती थी रूम में, कहती थी कि कहा यहाँ अंडा पार रहे हो। बसंती जी को इस लेवल का भी टॉर्चर दी हैं। बसंती जी आप क्या बोल रही हैं, सोचिए समझिए, आपका ये वीडियो आपके बच्चे भी देखेंगे, ये ना कि वो दिल्ली से आया स्क्रिप्ट बिना खोपड़िया वालों का और बोले जा रही हैं, क्या बोल रही हैं आप? देखो मेरे कमरे में अनीता जी रहने नहीं देती थी, हाय हाय इनका चीरहरण हुआ था, अब तो ये अनीता जी का चीरहरण करने पर पड़ गई हैं। बसंती जी, बसंती जी का चीरहरण तो 3 मर्दों ने किया, अब तो ये औरत हो गया अनीता जी का चीरहरण कर रही हैं, बताइए अब इस पे क्या कहा जाए? मतलब नीचता की जितनी भी क्या बोले, नीचता से जितना भी नीचे गिर सकती है ना उतना बसंती जी गिरने के लिए तैयार हैं। वो कुछ भी अभी अनाप शनाप बोल सकती हैं, कह रही थी कि तितकी लगा देंगे, मिर्ची लगा देंगे, लहरेगा, लहर में तो आप हैं कि क्या बकरी हैं। अनीता जी हम तो कहेंगे इस कीचड़ में ढेला ना फेंकिए, जब ये थाने में जाके कह दे, कोर्ट में जाके कह दे कि मेरा तो चीरहरण हुआ है, भैया उसका तो कुछ इज्जत नहीं है। आपकी इज्जत है भैया, आप अपना इज्जत बचाइए, 2-4 वीडियो और बना दीजिए, बसंती जी का असली चेहरा सामने आ जाएगा, आज तो आ गया है।
50% तो हम लोग जानते थे, 30% आ गया है, 20% और बाकी है। बसंती जी इसके बाद फिनिश है। इतनी परेशान हो गई थी कि वो दीपक जी को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उनके भाइयों ने कहा था कि छोड़ दो उसको, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं, लेकिन हमारी बसंती जी कह रही थी कि गोलू पेट में रह गया था। अब हमको बसंती जी ये बताइएगा, जब दीपक जी को अनीता जी आपके पास जाने नहीं देती थी, तो कौन से साधु बाबा के पास गई थी, कौन सा मंत्र भुकवाई थी कि बिना दीपक जी के गए आपके पास वो गोलू पेट में रह गया, बताइएगा, जरूर क्लियर करिएगा। फिर जी ने अपने भाइयों से कहा कि नहीं नहीं मेरे किस्मत में था, जो वो हो गया मैं इनको सुधार लूँगी। सुधरा कहाँ बसंती जी, मुझे तो न दिखा कि सुधरा, सुधरते तो वो पीते नहीं। कुछ भी कह, मतलब फ्री की फेस वैल्यू मिली है, कुछ भी आओ पक दो। उसके बाद बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगाई हैं कि सासु माँ को ये लोग दिल्ली इलाज कराने के लिए ले गए, तो वहाँ मशीन में उनका सेकाई हो रहा था, तो उसमें अनीता जी छोड़ के चली गई, तो उनका वो जल गया। डॉक्टर लोग थे, उन्होंने बुलाया कि भैया वो तो जल रही हैं। अच्छा हमको इसका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, हमको बताइएगा कहीं सेकाई होता है तो वहाँ नर्स तो रहती होंगी ना, डॉक्टर ना रहे लेकिन नर्स स्टाफ तो रहते होंगे ना, छोड़ तो नहीं देते होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है समझ में नहीं आ रही है। बसंती जी आपकी कोई भी बातों पे विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है, और ननद को कहीं कि आ गई थी भाषण देने, सेवा नहीं करती हैं, भाषण आके दे रही थी, आके सेवा करो ना, सबको हिस्सा चाहिए, सेवा कोई नहीं करेगा। बसंती जी नो नाक फुला फुला के अपना असली रूप दिखाई हैं माँ का चंडी वाला। दो चार वीडियो अनीता जी का आ जाए तो इनका तो एकदम जो है ना माँ चंडी वो पूरा आ जाएगा सामने। धीरे धीरे खुल रही हैं ये। फिर कह रही हैं कि जब सासू माँ का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया तो यही जो बड़ी ननद जो आके कह रही थी कि महाराष्ट्र में ऐसा ऐसा गुल खिला के आई हैं, तो उन्हीं को कह रही थी कि यही फ़ोन कर करके बुला रही थी कि आवा बसंती तू ही अबू तो सेवा हो ना तो सेवा ना हो। ननद कह रही थी कि मुटकी का सेवा करी तो 8 बजे सूत के उठाती है, 12 बजे खाना देती है। हाँ बसंती जी ने ये कहा है। अब ननद जी आइए क्लियर करिए। और ननद जी को भी बहुत उल्टा पुल्टा बोली है, वीडियो को थोड़ा सा उनकी बेटी पे ले जाके कट कर दिया गया है ताकि ननद को भी धमकी दिया जा सके कि भैया तुम कुछ यहाँ आके बोले तो तुम्हारी भी पोल पट्टी खोल दूंगी। ननद तो है बूढ़ी तो उनको तो बदनाम किया नहीं जा सकता, अब उनकी बेटी को बदनाम करेंगी बसंती जी, इशारे में बता दिया है। और बसंती जी ने ये भी क्लियर किया कि ये किसी के ढाबा ना बेचे हैं और ना किसी का पैसा खाए हैं। बसंती जी आप अपनी वीडियो में अपनी ही पोल खोलती हैं, आप लोग ही कह रहे थे कि नहीं नहीं ये धरती मैया ने कहा था कि वो ढागे का तो एग्रीमेंट होगा, कुछ कागज़ होगा। धरती मैया देख लीजिए रोड पे ढाबा था, वैसे कौन से ढाबा का एग्रीमेंट होता है, कौन से और कागज़ पत्र होता है ज़रा बताइएगा, आपके पास होगा कुछ तो स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा अपने वीडियो पे, हम भी देखना चाहेंगे भैया। धरती मैया थोड़ा सा दो चार वीडियो देखिए, एक दो वीडियो का इंतज़ार करिए, उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए। बैठ जाती हैं सोफा पर, चालू हो जाती हैं बटरिंग करना, थोड़ा इधर वाले भी सब खुश हो जाए, उसके बाद तो थोड़ा उनके भी सब्सक्राइबर आ जाए, इनके भी सब्सक्राइबर आ जाए और मेरा डॉलर बनता रहे। धरती मैया की तो यही माया है, वो किसी की नहीं है, वो किसी की सगी नहीं है। कहते हैं ना जो सबका है वो किसी का नहीं है, धरती मैया सबकी थोड़ी थोड़ी है वो किसी की नहीं है, वो अपना डॉलर छाप रही हैं, समझने वाले समझ जाए। उसके बाद अनीता जी कहीं कि सब हमसे जल रहे हैं, सब कहते हैं अलमारी कहाँ से आया, फ्रिज कहाँ से आया, हम वीडियो कैसे बना रहे हैं, कैसे अपने चैनल को चला रहे हैं, कैसे एडिटिंग कर रहे हैं, ये सब चाहते हैं, ये सब मिल के मतलब अनीता जी एंड फैमिली चाहते हैं ना कि ये भूखे मर जाए, रोड पे चले जाएँ, इनको जीने नहीं देना चाहते हैं। और बसंती जी ने एक बात कही कि दादाजी ने सब्जी बेचकर घर बनवाई है। बसंती जी एक बात पूछना चाहते हैं, आप तो खेतों में काम कर रही हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, फिर भी आप तो गरीबी का रोना रो रही हैं, आपको चावल खरीदने के पैसे नहीं रहते हैं, आपको दाल खरीदने के पैसे नहीं रहते हैं, आपको सब्जी खरीदने के पैसे नहीं रहते हैं, दादाजी सब्जी बेच के घर बनवा लिए। पता नहीं सब्जी में इतना प्रॉफिट होता है, हमें तो ना पता है भैया, अब किसी सब्जी वाले से पूछेंगे ज़रूर।
भैया आपने जमीन मतलब भैया आपने सब्जी बेच के घर बनवा लिया क्या? और बच्चों का भी शादी ब्याह कर लिया और बच्चों को भी पाल पोस लिया? पूछेंगे जरूर हम। बसंती जी बड़ा लंबा वीडियो था, जितना याद था उतना बोल दिए, फिर भूल जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं। आपकी बातों को इस यूट्यूब पे तो मैं ज़रूर रखूँगी ना, मैं तो न छोड़ने वाली। ये अनीता जी एंड फैमिली बसंती जी को कितना परेशान किए हुए हैं, हम लोग भी तो देखें। और बसंती जी स्पेशल आपको कह रहे हैं, दिल्ली वालों को कहिए कि थोड़ा स्क्रिप्ट ध्यान से लिखें, ये यूट्यूब है, यहाँ लोगों को सब याद रहती है, और यहाँ सीबीआई से भी ज़्यादा तेज दिमाग के लोग बैठे हैं, उनको सब याद रहती है, एबीआई सीबीआई डीबीआई जो जो होता है सब सब बैठे हैं, वो पकड़ लेते हैं ऐसे मिनटों में आपके झूठ को, समझे? तो अगली बार कहिएगा दिल्ली वालों को एकदम बढ़िया से स्क्रिप्ट बना के भेजे, इस स्क्रिप्ट में कमी है। और अनीता जी को कहेंगे इनकी दो चार पोल पट्टियाँ और खोलिए, इनका जो 20% चेहरा जो छुपा हुआ है ना, जो भोली भाली सीधी साधी गाय बनती हैं, सब सामने आ जाए, दो चार और असलियत बताइए ना, नाक फुला के ये बताएंगी तुरंत अपनी असलियत। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में आज यहीं तक, मिलते हैं आप सबसे एक नए वीडियो में।